अस्सलाम वालेकुम ग्रेट फोर्थ, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फेज फोर का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, जो कि यूनिट 6 स्क्वायर एंड रेक्टेंगल से रिलेटेड है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में स्क्वायर रेक्टेंगल के डिफरेंट कॉन्सेप्ट बताए कि आज उसी से रिलेटेड हम बुक के कुछ पेजेस करेंगे। आप अपनी बुक और मीन नोटबुक आपने सामने रखनी है और साथ साथ लेक्चर सुनना है और साथ साथ इनको कम्प्लीट करना है। जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स, यूनिट 7 हमने स्टार्ट किया था और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल से रिलेटेड डिफरेंट कॉन्सेप्ट बताया था। आपको कैसे पता चलेगा ये शेप स्क्वायर है या रेक्टेंगल, उसके लिए सबसे फर्स्ट वे दोबारा से मैं रिवाइज करवा देती हूँ। आपने क्या क्या स्टेप अपने माइंड में रखने हैं। सबसे फर्स्ट वे ये देखना है, स्क्वायर हमारे पास फोर साइडेड क्लोज फिगर होती है। स्क्वायर हैज फोर साइड्स, स्क्वायर की फोर साइड्स होती है हमारे पास, ऑल साइड्स इक्वल होती है। ये तो आप देख लेंगे कि स्क्वायर की फोर साइड्स है, ऑल साइड्स इक्वल, और हर साइड जब इक्वल होगी और उसके सारे एंगल्स भी 90 डिग्री के होने चाहिए। ये नहीं एक एंगल हमारे पास एक्यूट बन रहा हो, दूसरा ऑब्ट्यूज बन रहा हो और एक 90 का बन रहा हो। अगर साइड्स इक्वल है, लेंथ उनकी सेम है, तो उसके बाद आपने थर्ड कंडीशन ये देखनी है कि उसका जितने भी एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री के होने चाहिए, राइट एंगल्स बनने चाहिए, तब हम उसे स्क्वायर कहेंगे। इसी तरह रेक्टेंगल के लिए भी यही कंडीशंस होंगी। आप देखेंगे फोर साइडेड क्लोज फिगर होनी चाहिए, अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए और जितने भी एंगल्स होंगे उसके सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री के होंगे, तब हम कहेंगे कि ये फिगर हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है, या हम ये कहेंगे कि ये फिगर हमारे पास स्क्वायर है। तो सिंपल, इसके लिए आप सबसे फर्स्ट पे अपनी बुक का पेज नंबर 135 ओपन करें। उधर लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है कि विच ऑफ दीज आर स्क्वायर्स। आप इन, ये आपको डिफरेंट शेप्स बनी हुई नजर आ रही है। अब आपको कैसे पता चलेगा ये जो शेप्स है ये हमारे पास स्क्वायर है या नहीं? अब देखें, इसमें सबसे फर्स्ट शेप जो आपको ए शेप बनी हुई नजर आ रही है उसको भी आप देखें, फिर आप बी शेप नजर आ रही है आप उसको देखें, सी और डी। डी तो हमारे पास ट्रायंगल है, उसे तो माइनस कर दें। अब ए बी और सी में आपने देखना है कि ये हमारे पास स्क्वायर है या नहीं है। इसी तरह आपके बुक का पेज नंबर 136 है, उसमें भी आपको डिफरेंट रेक्टेंगल्स बने हुए नजर आ रहे हैं, ए बी सी डी। डी को तो आप माइनस कर दें, वो तो रेक्टेंगल नहीं है। अब ए बी सी का आपको कैसे पता चलेगा ये रेक्टेंगल है या नहीं? जैसा कि मैंने आपको सबसे फर्स्ट पे कितनी कंडीशंस बताई थी, थ्री कंडीशंस आपको बताई थी कि एक तो उनकी सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए स्क्वायर के लिए, लेंथ इक्वल होनी चाहिए, और थर्ड पे उसके जितने भी एंगल्स हैं वो हमारे पास राइट एंगल होने चाहिए। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है पेज नंबर 135 और क्वेश्चन नंबर 2 है पेज नंबर 136 पे, आप इनको कैसे सॉल्व करेंगे? आप अपनी नीट नोटबुक ओपन करें और उस पे आप टॉपिक लिखें स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। अब जैसे यहाँ पर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, ऐसे ही प्रेजेंटेशन के साथ आपने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है और मैं आपको बताऊंगी कि ये स्क्वायर इनमें से कौन सी शेप्स को मैं स्क्वायर कह रही हूँ और उसके साथ रीजन बताऊंगी कि ये स्क्वायर क्यों है। अब देखिए, विच ऑफ दीज आर स्क्वायर्स, एक्सप्लेन योर आंसर। अब यहाँ पर आपको ए बी सी डी फोर शेप बनी हुई नजर आ रही है, ए शेप जो है उसे मैंने स्क्वायर नहीं कहा। अब आप रीजन बताएं कि मैंने ये शेप को स्क्वायर क्यों नहीं कहा। इसकी फोर साइड्स भी इक्वल हैं, फोर साइड्स भी हैं, लेकिन इसके एंगल्स देखें, कहीं पे एक्यूट एंगल बन रहे हैं और कहीं पे हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल बन रहे हैं। अब ये हमारे पास एक्यूट एंगल जो है, फर्स्ट जो बन रहा है वो हमारे पास एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल हमारे पास जो है वो राइट एंगल तो नहीं होता, इसलिए ए शेप हमारे पास स्क्वायर नहीं है। अब बी को देखें, बी की सारी साइड्स भी इक्वल हैं और हर कॉर्नर पे हमारे पास जो है वो राइट एंगल बन रहा है, तो हम बी को कहेंगे बी हमारे पास स्क्वायर है। इसी तरह सी हमारे पास सेम स्क्वायर केस है, हमारे पास एक पूरा आपको नजर आ रहा है यहाँ पर सी का, आपकी बुक के ऊपर बॉक्सेस बने हुए हैं। अब देखिए, हर एंगल जो है राइट एंगल है और सारी जो इसकी साइड्स है वो भी इक्वल है। डी तो हमारे पास थ्री साइडेड क्लोज फिगर है, तो थ्री साइडेड फिगर तो हमारे पास स्क्वायर होती नहीं है, वो तो ट्राइंगल होती है। तो ए बी सी में से हमने देखना था कौन सी स्क्वायर है, तो मैंने आपको बताया फिगर बी एंड सी आर स्क्वायर बिकॉज ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, साइड्स भी सारी इक्वल हैं, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। साइड्स इक्वल होना मस्त नहीं होता, साइड्स अगर इक्वल है तो एंगल्स भी 90 डिग्री होने चाहिए। जैसे फर्स्ट में हमारे पास एंगल 90 डिग्री नहीं था, इसलिए हमने उसे राइट नहीं कहा, उसे हमने उस जो फर्स्ट हमारे पास बनी हुई फिगर है उसे हमने स्क्वायर नहीं कहा। बी और सी हमारे पास स्क्वायर है बिकॉज फिगर बी एंड सी आर स्क्वायर बिकॉज ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। इसी तरह इसके सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपने ये बताना है विच ऑफ दीज आर रेक्टेंगल्स, एक्सप्लेन योर आंसर। अब आपको कैसे पता चलेगा इसमें रेक्टेंगल है या नहीं, वही कंडीशंस आ जाएंगी। फिगर बी इज अ रेक्टेंगल, फिगर बी हमारे पास रेक्टेंगल है, क्यों मैंने बी को रेक्टेंगल, ए हमारे पास रेक्टेंगल नहीं है, ए के एंगल्स देखें कहीं पे ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है कहीं पे एक्यूट एंगल बन रहा है, तो एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल में हमारे पास रेक्टेंगल नहीं हो सकता।
बी जो फिगर है उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है, अपोजिट साइड्स इक्वल है, और एंगल्स जो आपको नजर आ रहे हैं, एंगल्स हमारे पास जो है वो है हमारे पास राइट एंगल 90 डिग्री, तो बी को हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल। सी हमारे पास स्क्वायर है, फोर साइड्स इक्वल नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास फोर साइड्स इक्वल होंगी वो तो स्क्वायर बन जाएगी, तो ये रेक्टेंगल तो नहीं। हमने ये बताना है कि विच ऑफ दीज आर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कब बनता है। इसी तरह हमारे पास जो डी पार्ट है, डी आप देखें एक्सप्लेन योर आंसर, जो हम आपके पास डी है, डी है हमारे पास भी इसकी अपोजिट साइड भी इक्वल नहीं है। अगर इसकी अपोजिट साइड इक्वल नहीं है तो एंगल 90 डिग्री की नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो साइड एंगल बना रहे हैं कोई ऑब्ट्यूज बना रहे हैं, कोई एक्यूट बना रहा है, तो एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल मिल के हमारे पास रेक्टेंगल नहीं होता। रेक्टेंगल की सारी साइड भी इक्वल नहीं होती, सारे एंगल्स हमारे पास राइट एंगल होते हैं 90 डिग्री के, तो इसमें आपको सिर्फ फिगर बी इज द रेक्टेंगल, बिकॉज अपोजिट साइड आर इक्वल इन लेंथ एंड ऑल एंगल्स आर साइड, अपोजिट साइड भी इक्वल है, एंगल्स हमारे पास 90 डिग्री के, इसलिए हम इसे कहेंगे ये हमारे पास रेक्टेंगल है। ए में हमारे पास एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, सी तो स्क्वायर है, और डी हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, ए सी एंड बी तो माइनस कर दे, वो हमारे पास रेक्टेंगल नहीं है। सिर्फ बी जो फिगर आपको नजर आ रही है, आपने अपनी नोटबुक के ऊपर ऐसे ही लिख के ऐसी फिगर ड्रॉ करके सिर्फ लिखना है कि फिगर बी इज अ रेक्टेंगल बिकॉज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। आपको सारे एंगल्स कितने के लग रहे हैं, 90 डिग्री। एक बात आपने याद रखनी है फोर्थ क्लास, आप जब भी किसी भी फिगर को ये देखेंगे कि ये हमारे पास स्क्वायर है या रेक्टेंगल, तो फर्स्ट कंडीशन ये होनी चाहिए कि उनकी साइड्स देखेंगे, साइड्स हमारे पास इक्वल है स्क्वायर के लिए। सेकंड पे आप ये देखेंगे कि उसकी फोर साइड्स है, फोर साइड्स है। थर्ड कंडीशन में आप ये देखेंगे कि उसका हर एंगल 90 डिग्री का है या नहीं, अगर 90 डिग्री का एक एंगल भी नहीं है तो आप उसे स्क्वायर या रेक्टेंगल नहीं कह सकते। ऑल साइड्स देखेंगे इक्वल स्क्वायर के लिए, फोर साइड्स हैं और ऑल एंगल 90 डिग्री के, तब हम उसे स्क्वायर कहेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में बी एंड सी आर स्क्वायर। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें हमने सिर्फ बी को कहा है वो हमारे पास रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड्स भी इक्वल है हमारे पास उसमें, और एंगल्स ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स, तो हम बी को कहेंगे ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है। ए सी एंड डी आर नॉट अ रेक्टेंगल, ये हमारे पास रेक्टेंगल नहीं है, सिर्फ हमारे पास बी जो है वो रेक्टेंगल है। जो कंडीशन मैंने आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल्स के लिए बताई है ये अपने माइंड में रखनी है। अपोजिट साइड रेक्टेंगल की इक्वल होती है, सारी साइड जो है वो ऑल साइड्स किसकी इक्वल होती है, स्क्वायर की। सारे एंगल्स फोर साइड्स होती हैं दोनों की, और एंगल्स सारे कितने होते हैं 90 डिग्री के। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को आपने अपनी नीट नोटबुक के सबसे फर्स्ट पे आपने, मैंने आपको बताया था, आपने डेफिनेशन लिखी होगी स्क्वायर और रेक्टेंगल की। उसके बाद आपने पेज नंबर 135-136 ओपन करना है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ये दोनों क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चन को नीट इसी तरह प्रेजेंटेशन के साथ आपने अपनी नीट नोटबुक पे करना है। थैंक यू क्लास, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।